अगर आपने अपनी लाइफ में कभी भी किसी इनोसेंट इंसान को परेशान किया है तो यह मूवी आपके अंदर खौफ बढ़ने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कैंडी कॉर्न मूवी को, जो कि एक हॉलीवुड स्लैशर मूवी है। मूवी के स्टार्टिंग में हम दोस्तों के एक ग्रुप को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे और वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो हैलोवीन कैसे सेलिब्रेट करेंगे। तभी उनमें से एक जिसका नाम माइक था वो कहता है कि वो अपना हैलोवीन हर साल की तरह जैकब को परेशान करके सेलिब्रेट करेगा और बाकी सारे दोस्त उसके इस बात पर करते हैं और कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। लेकिन उनमें से एक लड़की जिसका नाम कैरोल था वो ये सब करने से मना कर देती है और कहती है कि तुम एक मासूम को हर साल क्यों सताते हो। और माइक कहता है कि तुम्हारे सवाल में तुम्हारा जवाब है, हम उसे हर साल सताते हैं इसलिए हमारी आदत बन चुकी है और उसे सताने में जो मजा आता है मैं उसे मिस नहीं करना चाहता। कैरोल ग्रुप में बैठे अपने बेस्ट फ्रेंड को ये सब करने से मना करती है, लेकिन जब माइक उसकी बात नहीं मानता तो वह वहां से उठकर चली जाती है। अब माइक और उसके दोस्त भी खाना खा चुके थे इसलिए वो मैनेजर के पास बिल पे करने जाते हैं और मैनेजर उनसे पूछता है कि हैलोवीन पे तुम्हारा क्या प्लान है। तो माइक बताता है कि हम हैलोवीन पर जैकब नाम के एक बंदे को परेशान करने वाले हैं। मैनेजर इस चीज में अपना इंटरेस्ट दिखाता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ और माइक उसे मना कर देता है। वो कहता है कि ये मेरे और मेरे दोस्तों का ही प्लान है। मैनेजर की काफी रिक्वेस्ट करने के बाद माइक मान जाता है और वो सब मिलकर जैकब को परेशान करने का प्लान बनाते हैं। अब हम जान लेते हैं जैकब असल में है कौन। जैकब असल में एक मेंटल पेशेंट था जिसे कैंडी खाना बहुत ही ज्यादा पसंद था और खास करके कौन कैंडी जिसे वो एक पम्पकिन बास्केट में रखा करता था। वो ज्यादा सोच नहीं पाता था और इसलिए उसे माइक और उसके दोस्त हमेशा हर साल परेशान किया करते थे। जैकब अब फेस्टिवल की तरफ जाता है। वो फेस्टिवल में एक वर्कर की तरह गया था और फेस्टिवल का मालिक उसे जॉब देता है और वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पे पूरी लगन और मेहनत के साथ काम करना ताकि ना ही तुम्हारा और ना ही मेरा नाम खराब हो। शो का मालिक जैकब से कहता है कि शो शुरू होने वाला है इसीलिए तुम तैयार हो जाओ। लेकिन जैकब जैसे बाहर आता है तो माइक और उसके दोस्त उसे परेशान करने लग जाते हैं। जैकब अब ये सब कुछ सहन करके थक गया था इसीलिए वो गुस्से में माइक को धक्का दे देता है ताकि वो लोग उसे परेशान करना बंद कर दे। लेकिन माइक को ऐसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसके दोस्त जैकब को बहुत बुरी तरह पीटने लग जाता है और उसे पीट कर मार डालता है। कैरोल ये सब छिप कर एक जगह से देख रही होती है और उसे बहुत ही लगता है कि ये लोग कैसे किसी को इसी तरह मार सकते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद माइक और उसके दोस्त घर वापस चले जाते हैं और उनको इस बात का कोई भी रिग्रेट नहीं था कि उन लोगों ने किसी की जान ले ली है, बल्कि माइक कहता है कि ये सब जैकब की गलती थी। हम हर साल उसे टॉर्चर किया करते थे लेकिन इस साल उसने पता नहीं क्यों मुझे धक्का दे दिया और मुझे गुस्सा आ गया। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि कैरोल को बहुत ही बुरा लग रहा होता है जैकब के लिए और वहाँ से चली जाती है। जब फेस्टिवल का मालिक ये देखता है कि किसी ने जैकब को मार दिया है तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि कोई मेरे आदमी को इस तरह कैसे मार सकता है। वैसे तो वो दिल का बहुत ही अच्छा इंसान था लेकिन वो ठान लेता है कि वो बदला लेगा। वो जैकब को अंदर लेकर आते हैं और उसके फेस पर एक मास्क पहना देता है और फिर एक रिचुअल परफॉर्म करने लग जाता है जिसकी वजह से जैकब के अंदर एक आत्मा आ जाती है और जैकब दोबारा से खड़ा हो जाता है। अब हम देखते हैं कि कैरोल पुलिस के पास चली गई थी कंप्लेंट करने के लिए। कैरोल शेरिफ को सब कुछ बताते हैं कि जैकब को किन लोगों ने मारा और किस तरह मारा और शेरिफ कहता है कि हम इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं लेकिन अभी तक हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं आई है। शेरिफ ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि जिनका नाम कैरोल ने लिया था उसमें माइक का भी नाम था जो कि कोई और नहीं शेरिफ का बेटा था। उसे यकीन नहीं होता कि मैं टाउन का शेरिफ हूँ और मेरा बेटा ऐसा काम कर सकता है। इसके बाद वो सीधा उस फेस्टिवल के मालिक के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि जैकब कहाँ है और उसे क्या हुआ था। फेस्टिवल का मालिक कहता है कि सबको गलत फैमिली हुई थी कि वह मर चुका है, वो सिर्फ जख्मी था और मैंने उसका इलाज करके उसे घर भेज दिया है। इसके बाद शेरिफ जैकब के घर जाते हैं और उसे नॉक करते हैं लेकिन कोई बाहर नहीं आता तो वह वापस चला जाता है। अब सीन शिफ्ट करके कैरोल का घर दिखाया जाता है जहां उसका दोस्त मिलने आया था और वह उसे बताता है कि शेरिफ ने इन्वेस्टिगेशन की है और जैकब अभी भी जिंदा है। यह सुनकर वो बहुत ही खुश होती है क्योंकि वो मरा नहीं था। अब हमें वो मैनेजर दिखाया जाता है जिसने माइक के साथ मिलकर जैकब को मारा था। वो किसी को बता रहा होता है कि उसकी हैलोवीन बहुत ही अच्छी गई और उसने बहुत ही मजा किया। उसके बाद वो वॉशरूम जाता है जहाँ पे उसे पम्पकिन बास्केट मिलता है जिसके अंदर कॉर्न कैंडी होती है। वो उसे खाने लगता है तभी वहाँ पर जैकब आ जाता है। जैकब उसका पेट चीर कर उसे बहुत ही बुरी तरह मार डालता है और वह अपना पहला बदला ले लेता है। कुछ देर बाद इस जगह पर शेरिफ आता है और इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देता है। उसे हर जगह पर कॉर्न कैंडी मिल रही थी और उसे ये भी पता चलता है कि उस दिन माइक के साथ जैकब को तंग करने में इसका भी हाथ था। शेरिफ को जैकब पर शक हो
जाता है कि जैकब ने ही उसको मारा था। वो वापस जा रहा होता है तब उसे कैरोल और उसका दोस्त मिलता है। शेरिफ उन दोनों को सब कुछ बताता है और वो दोनों ये सब बातें जाकर माइक को बता देते हैं। माइक कहता है कि ये सब पॉसिबल नहीं हो सकता, जैकब बहुत ही सीधा है और वो बदला नहीं ले सकता। अगर उसमें इतनी हिम्मत होती तो हमें कभी अपने आप को टॉर्चर नहीं करने देता, और हो सकता है कि मैनेजर को उसके किसी और दुश्मन ने मारा हो। और हर किसी को यह बात सही लगती है क्योंकि जैकब सच में एक सीधा इंसान था। अब वो सब लोग अपने दोस्त के घर से वापस चले जाते हैं, लेकिन माइक के दोस्त को अजीब फील होने लग जाता है। वो बाहर निकल कर देखता है तो उसे भी एक पंपकिन बास्केट दिखती है जिसे उठाने जाता है, और इसी दौरान जैकब उस पर अटैक कर देता है और उसकी स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी को निकाल देता है और बहुत ही बुरी तरह उसे मार देता है। शेरिफ को पूरा शक हो गया था कि ये सारे मर्डर जैक भी कर रहा है, इसलिए वो दोबारा फेस्टिवल के ओनर के पास जाता है और उससे सवाल पूछता है। फेस्टिवल का ओनर कहता है कि मैंने आपको बता दिया है कि वो जख्मी था और मैंने उसका इलाज करके उसे घर आराम करने के लिए भेज दिया है। इतने में एक पुलिस ऑफिसर आता है और बताता है कि माइक के एक दोस्त का मर्डर हो गया है। शेरिफ इन्वेस्टिगेशन करने वहाँ पहुँचता है और उसे वहाँ पर भी कौन कैंडी मिलती है। अब वो पूरी तरह कन्फर्म हो चुका था कि ये सारे मर्डर जैकब ही कर रहा है। इसके बाद शेरिफ दोबारा जैकब के घर जाता है और जबरदस्ती अंदर घुस जाता है। घर में उसे जैकब तो नहीं मिलता, लेकिन उसे एक डेड बॉडी मिलती है जो कि कई साल पुरानी थी और इन सब मर्डर से रिलेटेड नहीं थी। वो डेड बॉडी असल में उसकी माँ की थी। अब हम समझ सकते हैं कि क्यों जैकब मेंटल इलनेस से गुजर रहा था। शेरिफ उसे हर जगह ढूंढ रहा था और अपने बेटे माइक से कहता है कि घर में ही रहे क्योंकि उस पर भी हमला हो सकता है। शेरिफ सारे फेस्टिवल सारे कार्निवल बंद करवा देता है। ये सुनकर सारे शहर वाले बहुत ही गुस्सा करते हैं और वो फेस्टिवल का ग्रुप ओनर भी उस पर गुस्सा होता है और कहते हैं कि कुछ तो है जो आप हमसे छुपा रहे हैं और यह सब कुछ शायद आपकी वजह से हो रहा है। अब हम कमाएंगे किस तरह। उस ग्रुप में एक आदमी जिसका नाम बिशाप था उठता है और कहता है कि जो तुम कर रहे हो क्या वो सही है, और तुम जो भी कहोगे हम उसे मान लेंगे, इसलिए हमें सारी बात बताओ। यह सुनकर उस फेस्टिवल का मालिक कहता है कि जी हाँ, मैं जो भी कर रहा हूँ सब सही कर रहा हूँ क्योंकि हम जैसे छोटे लोगों को हमेशा माइक जैसे बड़े लोग टॉर्चर करने आए हैं और उन लोगों की आदत बन चुकी है क्योंकि हम लोग कभी जवाब नहीं देते। उन लोगों ने जैकब को मार दिया था लेकिन मैंने उसे जिंदा किया ताकि वो अपने कातिल से बदला ले सके, तो आप बताइए क्या मैंने कुछ गलत किया। ये सुनकर बहुत सारे ग्रुप मेंबर ओनर्स का साथ देते हैं क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है कि वह हमेशा से टॉर्चर करते आए हैं और यह उन बड़े लोगों की आदत बन चुकी थी छोटे और बेसहारा लोगों को टॉर्चर करना। इधर हम देखते हैं कि कैरोल और उसका दोस्त एक जगह पे होते हैं। कैरोल जब किसी काम से बाहर जाती है और वापस आती है तो उसका दोस्त मारा जा चुका था। उसे समझ नहीं आता कि यह क्या हो रहा है और उसी दौरान जैकब उसके पीछे आता है और उसकी जुबान खींच कर निकाल देता है। शेरिफ भी उसी जगह पर आता है ये चेक करने के लिए कि क्या वो दोनों सेफ हैं। लेकिन जब वो अंदर जाता है तो उसे उन दोनों की डेड बॉडी मिलती है। वो समझ जाता है कि अगला नंबर माइक का ही है क्योंकि उसके सारे दोस्त मारे जा चुके थे। वो जल्दी से माइक को कॉल करता है और उससे बताता है कि तुम्हारे सारे दोस्त मारे जा चुके हैं और अब वह तुम्हें मारने आएगा, इसीलिए अपने घर से बाहर मत निकलना। लेकिन माइक ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, इसीलिए वो गुस्से में अपने घर से बाहर निकल जाता है और उस फेस्टिवल वाली जगह पे जाता है ताकि वो फेस्टिवल के ओनर से पूछ सके कि आखिर मसला क्या है। लेकिन तभी उसे ओनर का एक दोस्त उसे मार कर बेहोश कर देता है। शेरिफ जब अपने घर पहुंचता है तो अपने बेटे को ढूंढता है लेकिन वो वहाँ पे नहीं था। वो इधर उधर देखता है तो तब उसे फेस्टिवल का ओनर वहाँ पर बैठा मिलता है जिसे देख कर वो उसकी तरफ गन पॉइंट कर देता है और पूछता है कि मेरा बेटा कहाँ है। लेकिन तभी बिशाप उसे पीछे से मार कर बेहोश कर देता है और ओनर उसकी गर्दन उसके शरीर से अलग कर देता है और उसे मार डालता है। अब हमें माइक को दिखाया जाता है जो कि एक चेयर से बंधा हुआ था और जब उसकी आंखें खुलती है तो उसके आसपास कोई नहीं होता। वो किसी तरह खुद को चेयर से आजाद करता है और बाहर निकलता है। वो देखता है कि शेरिफ की कार उसकी तरफ आ रही है। वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके पिता उसे बचाने आ गए हैं। जैसे ही वो कार की तरफ बढ़ता है उसे अपने पिता का कटा सर दिखता है जिसे देख कर वो रोने लग जाता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि उसे बचाने के लिए कोई नहीं रहा और वो मरने वाला है। इसके बाद जैकब वहाँ पहुँच जाता है और वो माइक के दोनों हाथ उसके शरीर से अलग कर देता है। इसके बाद जैकब माइक के एक एक करके सारे दांत निकाल कर उसे धीरे धीरे टॉर्चर करके मार डालता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि फेस्टिवल का ओनर किसी को एक नेकलेस बेच रहा होता है जो कि ह्यूमन के दांत से बना था। वो उस लड़की को जैकब और उसके बारे में सब कुछ बताता है लेकिन उसे यकीन नहीं होता कि कोई कैसे जिंदा हो सकता है। वो ओनर उस लड़की से कहता है कि कुछ लोग बेवजह ही मासूम लोगों की जान ले लेते हैं, इसीलिए वो जैकब को जिंदा किया ताकि वो इन सब का बदला ले सके। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जैकब अपने
घर में वही मास्क पहने टीवी देख रहा होता है और अपनी फेवरेट कॉर्न कैंडी खा रहा होता है। दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको और भी ऐसी वीडियोस मिलती रहे। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।